दोस्तों जापान की लोक कथाओं के अनुसार कुचिसा की ओना एक ऐसी महिला की आत्मा है जिसका मुंह दोनों कानों तक कटा हुआ है और वो अपना मुंह किसी मास्क या कपड़े से छुपा कर रखती है। साथ ही अपने साथ चाकू या कैंची जैसी धारदार चीजें भी रखती है। माना जाता है कि उसकी आत्मा सड़कों पर घूमती है और किसी अकेले इंसान के सामने जाकर पूछती है कि क्या वह सुंदर है। अगर इंसान कहेगा नहीं तो वो उस इंसान की हत्या कर देती है, और इंसान हाँ कहता है तो वो मास्क निकाल कर अपना कटा हुआ चेहरा दिखाती है और इंसान से फिर वही सवाल करती है। इस बार अगर इंसान नहीं कहता है तो आत्मा उसकी हत्या कर देती है, और अगर इंसान हाँ कहता है तो वह इंसान का मुंह अपने साथ रखे तेज हथियार से अपनी तरह कान तक काट देती है। दोस्तों कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट स्प्रिंग्स होटल का कमरा नंबर 873 एक रहस्यमय कमरा है जिसे भूतिया माना जाता है। माना जाता है कि किसी समय में यहाँ पर एक परिवार इस कमरे में ठहरने आया था, लेकिन पता नहीं क्यों वो पति अपनी पत्नी और बेटे की हत्या कर देता है। इसके बाद से इस कमरे में ठहरने वाले लोगों के साथ अजीबोगरीब घटना होने लगी। कभी किसी को छोटी बच्ची दिखाई देती तो कभी किसी को रोने की आवाज आती। ये सब ऐसे ही बहुत दिनों तक चलता रहा, लेकिन ज्यादा शिकायतें आने के बाद होटल वालों को हमेशा के लिए उस कमरे को बंद करना पड़ा। रूम नंबर 873 को तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, लेकिन उसके सामने से निकलने पर आज भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फील होती है। दोस्तों लाल ओरोना अमेरिकी और मेक्सिकन लोक कथा के अनुसार एक ऐसी चुड़ैल या आत्मा है जो रात में पानी वाली जगह है जैसे नदी या नालों के किनारों पर अपने बच्चों को रोते हुए ढूंढती है, इसलिए इसे द वीपिंग वुमन नाम भी दिया गया है। वहाँ की लोक कथाओं के अनुसार मारिया नाम की एक औरत जो कि दो बच्चों की माँ होती है, वो अपने पति को किसी दूसरी महिला के साथ देख लेती है, जिससे कि मारिया इतनी ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि अपने बच्चों को पानी में डुबाकर मार देती है। इसके बाद मारिया को अपनी गलती का एहसास होता है, तब वो भी पानी में डूबकर मर जाती है। और इसके बाद से माना जाता है कि इसी घटना के बाद मारिया अपने बच्चों की तलाश में रात को रोते हुए पानी के किनारे घूमती है।